दोस्तों बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान पिछले काफ़ी समय से फिल्मों से गायब हैं। फरदीन खान पिछले दिनों तब चर्चा में आए थे जब उनका एकदम बदला हुआ लुक सामने आया था। उन तस्वीरों में फरदीन खान काफ़ी फिट और यंग नज़र आ रहे थे। तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार हैं और कई फिल्म मेकर्स से इस बारे में बात कर रहे हैं। अब फाइनली ये कन्फर्म हो गया कि फरदीन खान बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी फिल्म भी साइन कर ली है। फरदीन की इस कमबैक फिल्म को संजय गुप्ता बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम विस्फोट होगा और इसमें फरदीन के साथ उनके दोस्त रितेश देशमुख नज़र आएंगे। इससे पहले फरदीन खान 11 साल पहले फिल्म दूल्हा मिल गया में नज़र आए थे। फरदीन की ये कमबैक फिल्म वेनेजुएला की 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म रॉक पेपर सीजर का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। इस फिल्म ने 50वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता था। संजय गुप्ता ने इस खबर को कंफर्म करते हुए कहा, हाँ फरदीन एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो हम इस महीने के एंड तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। फरदीन और रितेश ने स्क्रिप्ट पढ़ ली है और उन्हें ये बेहद पसंद आई है। अभी कुछ पेपर वर्क चल रहा है और हम इस फिल्म के लिए तैयार हैं। बता दें कि इससे पहले फरदीन और रितेश कॉमेडी फिल्म हे बेबी में अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ नजर आए थे। अब 14 साल बाद दोनों एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं। संजय गुप्ता ने कहा कि इस फिल्म में फरदीन और रितेश बिल्कुल अलग अवतार में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों ही एक्टर्स ने ऐसे किरदार पहले नहीं निभाए। अब कितना मजा आता है और कैसा होता है कैरेक्टर विस्फोट फिल्म में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वेल फरदीन खान को एक बार फिर से देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।